इम्तियाज अली की सुपरहिट फिल्म रॉकस्टार तो आपको याद ही होगी। इस हिट फिल्म से बड़े पर्दे पर एक चंचल शोख हसीना ने कदम रखा था, क्या आपको याद है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस नरगिस फाकरी की, जो फिल्म रॉकस्टार के बाद बड़े पर्दे से गायब हो गई थी। नरगिस फाकरी काफी समय से कह रही थी कि उन्हें एकता कपूर की फिल्म में हीरोइन बना लिया जाए, और अब जाकर उनके मन की कामना पूरी हो गई। एकता ने वरुण धवन के लीड रोल वाली फिल्म मैं तेरा हीरो के लिए नरगिस फाकरी को साइन कर लिया है। इस फिल्म में नरगिस के अलावा इलियाना डी क्रूज भी होंगी, लेकिन नरगिस को उम्मीद है कि उनके रोल को भी इम्पोर्टेंस दी जाएगी। वहीं फिल्मों से रॉकस्टार के बाद लंबे समय के लिए दूर होने की वजह भी खुद नरगिस फाकरी ही है। वह तमाम प्रोड्यूसर से एक मॉडल की तरह ही मिलती रही हैं और अपना ज्यादातर समय अमेरिका में बिताती रही हैं। ऐसे में भला उन्हें फिल्में मिले भी तो कैसे। लेकिन अब जब नरगिस ने फिल्मों में आने का मन बनाया तो उन्हें फिल्म मिल भी गई, और नरगिस अब जल्द ही मैं तेरा हीरो के अलावा कई और फिल्मों में भी अपने अभिनय का जलवा बिखेरती हुई नजर आ सकती हैं। शोभित शर्मा के साथ नेहा कटोच, जानो दुनिया। तेरा रूप, तेरा रूप, तेरा रूप, तेरा रूप।